प्रयागराज में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। नवंबर दिसंबर के बाद से स्टार्ट किया हमने स्टडी करना 23 के एग्ज़ाम के लिए, कि आसपास वाले जो होते हैं किसी से बात नहीं करनी होती एग्ज़ाम में, तो आप पूरी तरीके से अटेंटिव नहीं हो पाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। मेंटली पीस में हैं तो आप अच्छा कर ले जाते हैं। तो ये ऐसे लेसन है जो मुझे लगता है कि लाइफ टाइम काम करेंगे। बाकी लोग देख रहे थे, मुझे पता भी नहीं था क्या हो रहा है हॉल में, क्या नहीं हो रहा है। उसको तो लग रहा था कि अब मतलब कई बार हम खुद घर वालों से नहीं कह पाते हैं। अमेठी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन जो एमसी होता है उसमें हमने एडमिशन ले लिया। मैंने कहा नहीं, ऐसी जगह जाना नहीं है जहाँ पे मेंटेलिटी मैच ना करे, क्योंकि हमारा उदास चेहरा देखती देखी वो इसका मन नहीं लग रहा है। क्योंकि एक सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, घर वालों का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि पहले तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप रियल में ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं, बॉलीवुड के शाहरुख खान से कम नहीं लगते हैं आप। लाइफ के बारे में इतना कुछ जानने को मिला, इतना कुछ सीखने को मिला। चलिए निमसेट के एक और नए टॉपर से मिलते हैं, यश शर्मा से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 280 है, जो सीतापुर यूपी से है। तो सबसे पहले यश, आपको 280 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सर तो पहले तो मुझे आप ये बताओ कि आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी है उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? सर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। 2022 में जब पहली बार एग्ज़ाम दिया था तो कोचिंग की थी हमने एक वहाँ पे इलाहाबाद प्रयागराज में, मेरा ग्रेजुएशन हुआ है तो वहीं पे हमने एक सीनियर करते थे वहाँ, एक रामानंद सर की कोचिंग थी, वहाँ से हमने ऑफलाइन कोचिंग अटेंड किया। तो वहाँ दोस्तों में ज़्यादा पड़ गए थे ग्रुप, मतलब ग्रुप स्टडी जो होती है। तो मैं पहले सजेस्ट करना चाहूँगा कि कोई लोग ग्रुप स्टडी मत करना, कि क्योंकि वहाँ पर स्टडी के अलावा बाकी सब कुछ होता है। तो ये फिर उसमें 1181 रैंक आई थी मेरी 2022 में। लास्ट एक डेढ़ महीना कुछ नहीं पढ़ा था 2022 वाला जब एग्ज़ाम दिया था। फिर 23 की मैं हमने सोच लिया था कि अब तो ड्रॉप लेना ही है, अपियरिंग में थे तो इतनी दिक्कत भी नहीं थी, तो ड्रॉप ले लिया था 23 के लिए। तो लेकिन फिर घर पे काम चल रहा था तो ढाई महीने घर पे निकल गए। नवंबर दिसंबर के बाद से स्टार्ट किया हमने स्टडी करना 23 के एग्ज़ाम के लिए। उसमें भी थोड़ा बहुत टहलते टहलते, कहीं उत्तराखंड जा रहे हैं, कहीं कहीं टहलने जा रहे हैं दोस्तों के साथ ही। तो 23 में हम इतना कॉन्फिडेंस था, पता नहीं क्यों ओवर कॉन्फिडेंस था शुरुआत से कि कुछ कर ले जाएंगे, बड़ा ये लगता था कि क्योंकि मैथ्स अच्छी थी, पढ़ने में शुरुआत से अच्छे रहे थे, घर वालों को भी लगता था कि अच्छा कर रहा है, टॉप करते थे क्लास में भी, तो ये लगता था कि कर ले जाएंगे, इतना कठिन एग्ज़ाम नहीं है, आसानी से निकल जाएगा। तो वो गलती थी मेरी कि इतना हल्का भी नहीं है। पहुँचते पहुँचते तीसरा साल लग गया तो, पर फिर भी हार नहीं मानी ना, ये सबसे अच्छी बात ये जी। और फिर 23 में लास्ट के 3 महीने हमने सीरियसली पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी कर रहे थे और सर की टेस्ट सीरीज आपकी मैंने ली थी, बैच नहीं ज्वाइन की थी, ये गलती थी मेरी उस वक्त की, मेडिकल ज्वाइन कर लेता तब भी हो सकता है कि हो जाता, लेकिन बैच नहीं ली थी। टेस्ट सीरीज में अच्छे रैंक आ जाती थी, 600 मतलब नंबर अच्छे आ जाते थे टेस्ट सीरीज में, पर एग्ज़ाम में पैनिक हो गए। और दूसरी चीज़ है जो मैंने पहले भी शेयर की थी सर से, कि आसपास वाले जो होते हैं किसी से बात नहीं करनी होती एग्ज़ाम में, क्योंकि ये एक राजनीति के थ्रू होता है, हो सकता है आपको कंपटीशन ही कम कर दिया जाए तो डीमोटिवेट कर देते हैं लोग कई बार, या फिर आपका माइंड हो सकता है डाइवर्ट हो जाए जिस माइंड सेट से आप जाना चाह रहे थे, या ब्लैंक माइंड से जाना चाह रहे थे, कोई दूसरा माइंड सेट आपके पास ले आता है अपना, तो आप पूरी तरीके से अटेंटिव नहीं हो पाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आप अपने जोन में रहें हमेशा। तो इस साल हमने वही चीज़ें की जो हमने 2 सालों में गलतियाँ की थी, उनको सुधारने की पूरी पूरी कोशिश की, उन गलतियों को दोहराया नहीं। और सर जो बताते थे, जिस तरीके से आप जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, मेडिटेशन करना कि माइंड आपका फोकस्ड रहे, कोई समझ मतलब पैनिक ना करो कभी भी, कोई कैसी भी सिचुएशन आ जाए, एग्ज़ाम हो या लाइफ हो, सिचुएशन में हमेशा मतलब अगर आप मेंटली पीस में हैं तो आप अच्छा कर ले जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी उस सिचुएशन में पैनिक कर गए तो चाहे इजी सिचुएशन हो या फिर टफ सिचुएशन हो, वो दिक्कत करेगी आपको, उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो सर ये सब चीज़ें सीखी इस साल, दोबारा गलतियाँ ना हो। तो ये ऐसे लेसन है जो मुझे लगता है कि लाइफ टाइम काम करेंगे। तो टेस्ट देते रहते थे, मॉक जो सर आपने लिए थे लास्ट में, फाइनल मॉक और वार्म अप टेस्ट वगैरह, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। फाइनल मॉक तो जैसे आप बताते थे कि 10, 9, 8 इस तरीके से चल रहा था, आपने कहा था कि जो 8 तारीख को होगा वो फाइनल मॉक 0 होगा। तो हमारी आदत थी कि लैपटॉप पे टेस्ट दे रहे होते थे तो कॉपी पे लिख लेते थे कि ये फाइनल मॉक 10 है, फिर फाइनल 9 है, पहले ही सबसे ऊपर हेडिंग यही होती थी, फिर उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करते थे। तो मेन एग्ज़ाम जब था 8 तारीख को, तो उसमें भी हमने लिख लिया था ऊपर फाइनल मॉक 0, तो वो पेपर बिल्कुल भी पैनिक करने वाला नहीं रह गया था। 45-46 मिनट पहले पहुंच गए थे हॉल के अंदर,
तो वहाँ पहले तो थोड़ी देर आंखों को रेस्ट दिया, बिल्कुल भी देखा नहीं इधर जैसा आपने बताया था। और फिर जब 10-15 मिनट बचे तो थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन किया वहीं पे लैपटॉप को कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने ही। बाकी लोग देख रहे थे, मुझे पता भी नहीं था क्या हो रहा है हॉल में, क्या नहीं हो रहा है। मैं मेडिटेशन कर रहा था वहाँ पे, आस पास लोग बैठे थे, किसी से बात नहीं की, जो गलतियाँ पिछली बार की वो नहीं दोहराई। और फिर अच्छे से पेपर मॉक की तरीके से निकल गया। और मॉक आपने इतने अप एंड डाउन उसमें दिए थे कि मतलब ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि हम एक्चुअल एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं लगा सर। एकदम अटेंटिव थे, पूरी तरीके से अटेंटिव थे। लास्ट का जो 70 मिनट्स के बाद जो टाइम था वो थोड़ा माइंड थक जाता है, तो उसकी वजह से रीजनिंग में मेरे कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा गलत हो गए, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि नुकसान हो गया, नहीं तो फिर मॉक में कभी रीजनिंग में इतने गलत नहीं होते थे। तो ऐसा रहा, बाकी रैंक तो सही है सर आपके सामने। अच्छा ये बताओ, जब आपका सेकंड ड्रॉप था, फर्स्ट ड्रॉप का सेकंड ड्रॉप था जी, तो अभी सुन के समझ में आ गया आपको कंफ्यूज ज़्यादा थे नहीं, नहीं फिर भी आपके दोस्तों ने या घर में कुछ कि क्यों ड्रॉप ले रहे हो, ऐसे ही समय खराब कर रहे हो, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम फेस की क्या? अरे सर बहुत प्रॉब्लम हुई थी 2023 में अटेम्प्ट देने के बाद। मुझको तो लग रहा था कि अब मतलब कई बार हम खुद घर वालों से नहीं कर पाते हैं, हमें लगता है कि वैसे ही इतना खर्चा कर रहे हैं, है ना, हर चीज़ वो पता नहीं किस किस तरीके से करते हैं, और भी कई सारी सिचुएशंस होती हैं घर पे, केवल हम ही को पढ़ाना नहीं होता है, माँ बाप के पास भी बहुत सारे काम होते हैं, और भी बच्चे होते हैं उनके पास भी ध्यान देना रहता है। तो हमें भी लगता है कि ज़्यादा फोर्स ना कि मतलब ज़्यादा उन पर बर्डन नहीं बनना चाहिए। तो हमने सोचा था कि 23 के बाद अटेम्प्ट देने का कोई इरादा नहीं था, हमने सोच लिया था कि अब खुद से मेहनत करेंगे, और जो भी कंप्यूटर्स के लिए बेसिक, क्योंकि बहुत लोग बिना NITs के प्लेसमेंट अच्छा उठा लेते हैं, ये तो था कि करना है कुछ, मतलब ऐसा भी नहीं था कि एवरेज लाइफ जीनी है, कुछ बड़ा ही करने का सोच रहे थे शुरुआत से। तो ये था कि एक साल अच्छे से एफर्ट डालेंगे कंप्यूटर साइंस को, जो सीखना है जो भी बेसिक से सीखा जाता है वो सब सीखेंगे, फिर किसी कंपनी में जाकर रिज्यूमे वगैरह करेंगे, ये सब सोच लिया था। MIT यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन जो MC होता है उसमें हमने एडमिशन ले लिया। ऑफलाइन इसलिए नहीं गए क्योंकि मैं वो बच्चा हूँ जो सर लड़कों के साथ जल्दी लापरवाही में पड़ जाते हैं, ठीक है पर आप जहाँ जाओगे ना हाँ, वहाँ आपकी कर नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ हर बच्चा वो जा रहा है जो पढ़ रहा है, इसीलिए किसी और कॉलेज में नहीं गए। बिल्कुल सही हाँ, प्राइवेट कॉलेज में आपको हर क्राउड मिल जाए, अच्छा भी मिलता है पर नॉन सीरियस भी मिलता है जी, सब तरह का क्राउड मिलता है, नॉन सीरियस ज्यादा अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, हाँ वो जल्दी कर लेते हैं। तो इसीलिए हमने ऑफलाइन भी कॉलेज नहीं ज्वाइन किया। मेरे साथ के लड़के चले गए थे, त्रिपल्लम में कोई चला गया, कोई IIT में चला गया, कोई HPT में चला गया। पिछले साल 23 में मुझे IPO मिल रहा था, 961 रैंक थी मेरी 2023 में, IPO मिल रहा था। तो वहाँ पे भी ये था कि 85% दिल्ली वाले रिजर्वेशन था, तो वहाँ 7-8 हज़ार रैंक वाले भी हैं और 900 रैंक वाले भी जाएगा, तो मुझे लगा कि क्राउड अच्छा नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं IPO मैंने नहीं लिया, वो लीव कर दिया था। घर वाले कह भी रहे थे कि मिल रहा है अच्छा कॉलेज ले लो, कुछ हो जाओ, मैंने कहा नहीं, ऐसी जगह जाना नहीं है जहाँ पे मेंटेलिटी मैच ना करे। तो कुछ समय मैंने कहा कि अकेले रह के कर लेंगे वो ज़्यादा ठीक है। तो फिर घर में भी मम्मी कह रही थी कि अब करने लग जाओ, तो पोस्ट था दीदी कि मैरिज वगैरह भी करनी थी उन लोग माता पिता को, तो उन सब से फिर निकल के बाहर आए। लास्ट में यही सितंबर अक्टूबर के आसपास फिर मम्मी ने हमसे कहा कि भैया एक बार और ट्राई कर लो, क्योंकि हमारा उदास चेहरा देखती थी कि वो इसका मन नहीं लग रहा है। कई बार ऐसा होता था कि रातें ऐसे ही जगते जगते गुजर जा रही, सोच रहे हैं कि इतनी मेहनत किया था हुआ नहीं, इतना सोचा था सही जगह पहुँच नहीं पाएंगे, लग रहा है कि जो भी सपने थे वो अचीव करने में अब और ज़्यादा हार्डवर्क लगेगा, जहाँ 3 साल में अच्छा प्लेसमेंट उठा लेते वहाँ हो सकता है 7-8 साल हमको किसी कंपनी में रगड़ना पड़ जाए, बहुत सारे थॉट्स आते थे। लेकिन फिर जब मम्मी ने कहा एक बार कि ट्राई कर लो, क्योंकि एक सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, घर वालों का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि कोई कहने वाला होना चाहिए कि आप आगे बढ़ो हम साथ दे रहे, तो वो चीज़ ही मम्मी ने वो काम किया। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि मैंने तुरंत हाँ कह दिया, मैंने कहा ठीक है, तो मुझे खुद नहीं हो रहा था, मैं खुद प्रिपरेशन कर तो रहा था पर हो नहीं रहा था मुझसे, क्योंकि लापरवाही जैसे थे वो नेचर थोड़ी ना आदमी का चेंज हो जाता है। तो फिर से जैसे उन्होंने कहा तो हमने आपकी तशरीह ले ली, पहले सोचा कि तशरीह लेंगे चलते जाएंगे, फिर मेरी एक फ्रेंड थी उसने मुझे बहुत फोर्स किया, कहा कि सर की बैच जरूर ले लूँ, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ से उसके साथ MCA में आपके यहाँ के स्टूडेंट कुछ कर रहे थे, तो उसने मुझसे बोला कि वहाँ के स्टूडेंट जो हैं उनका भले सिलेक्शन नहीं हुआ है लेकिन उनका जो हार्ड वर्क है वो दिखता है, वो कॉलेज के किसी भी जगह जाते हैं वो पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, मतलब वो मोटिवेशन वो पॉजिटिविटी वो अगर जो दोस्तों के साथ भी हैं उसके बाद भी घर जाके वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, बाकी लोग हो सकता है घर जाके भी नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन वो लोग क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हर चीज़ में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जो आपके यहाँ से पढ़ के गए हैं, भले उनका सिलेक्शन नहीं हुआ,
तो मुझ तो उसने मुझे बहुत फोर्स किया करने के लिए। तो फिर मैंने नवंबर में ज्वाइन किया आपकी बैच, ऑनलाइन बैच थी, ड्रॉपर्स बैच। आपसे बात भी की थी, आपने कुछ कंसेशन भी कर दिया था। तो फिर उसके बाद तो जैसा जैसा आप कहते गए वैसा वैसा करते गए, और आप जब बताते, आपसे जब पहली बार बात की आपने तुरंत कह दिया था कि हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि सर भी, सर को भी लग रहा है और मुझे भी लग रहा था कि एक बार, इस बार देंगे तो इस बार कोई गलती नहीं करना है। जैसे पिछली बार दो तीन बार गलतियाँ करते जा रहे थे, तो वो गलती दोहरानी नहीं, तो बस वही गलतियों में सुधार किया तभी हो पाया। तो आइए बताओ बेटा यश, कि आपने आज पूरा दिन अवार्ड सेरेमनी अटेंड की, जी जी, बहुत सारे लोगों को सुना, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, समझी होगी, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सर पहले तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप रियल में ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं, बॉलीवुड के शाहरुख खान से कम नहीं लगते हैं आप। क्योंकि स्क्रीन पे देखते थे हम लोग, स्क्रीन पे हाँ पढ़ाते तो आप अच्छा हैं ये, उसमें कोई डाउट नहीं, लाइफ के लेसन अच्छा देते हैं, पर वो पॉजिटिविटी छलकती है सर, यहाँ आदमी देख के इंस्पायर हो जाएगा कि अगर जो उसको नहीं भी कुछ करना है तब भी उसको लगेगा कि सर इतना मेहनत कर रहे हैं, हम वो असर आ जाता है। मतलब अगर पिछले साल मेरा हो जाता तो मैं आपके पास पढ़ने का मौका नहीं मिलता, तो मुझे लगता है अच्छा हुआ कि नहीं हुआ पिछले साल, एक साल का गैप ही तो गैप भी क्या, वो इन्वेस्टमेंट हुआ वो एक तरीके से, कि लाइफ के बारे में इतना कुछ जानने को मिला, इतना कुछ सीखने को मिला। अगर हो जाता तो हो सकता है कॉलेज में जाके फिर से थोड़ा बहुत मकारी कर भी देते, लापरवाही कर भी देते, पर अब इतना पता है कि आने वाला जितने भी समय है, कॉलेज हो कॉलेज के बाद हो, मेहनत नॉन स्टॉप करते जानी है, मेहनत नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि टैलेंट होता है, सभी में टैलेंट होता है कुछ ना कुछ, पर टैलेंट काम नहीं आता अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो टैलेंट आपका बेकार हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत से हम भी टॉपर थे, उसके बाद दो साल का गैप हो गया क्योंकि मेहनत नहीं कर रहे थे, टैलेंट था, जिस कोचिंग में पढ़ते थे वहाँ पे सबसे आगे रहते थे, लेकिन वही चीज़ है, कोई बात नहीं, टैलेंट काम नहीं करता है अगर आप मेहनत नहीं कर रहे। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अब ऐसे ही आप बहुत ग्रो करो, अब एक सक्सेस मिल गई है तो आगे भी ऐसी सक्सेस मिलती रहे, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू।